मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मुझे दुख और तकलीफ इस बात की है कि मैं अगर हिसार में आऊं और आपसे ये कहूं कि मुझे हिसार के किसी म्यूनिसिपल स्कूल में चपरासी बना दो, तो आप कहोगे राजीव भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और मैं कहूं मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप मुझे म्यूनिसिपल स्कूल का चपरासी भी नहीं बनाओगे। और कल को मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बन के आ गया, तब क्या करोगे? उसी जीरो क्वालिफिकेशन पर मैं हरियाणा का अगर चीफ मिनिस्टर बनकर आया तो आप मेरे गले को मालाओं से लाद दोगे और जिंदाबाद इतनी करोगे तो सारा शहर बहरा हो जाए। ये विडंबना है हमारे देश की। जिस व्यक्ति को मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर किसी स्कूल का चपरासी नहीं बनाया जा सकता, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है। विडंबना इस देश की पता है क्या है? जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं जोता वो कृषि मंत्री। सालों साल इस देश में शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए। मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं, बाकी आपको सब पता है। इस देश में एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान नहीं चलाई, वो देश का वर्षों वर्षों वाणिज्य मंत्री रहा, जिसने दुकान नहीं चलाई कभी। फाइनेंस का जिसको ABCD नहीं आता, वो सालों साल इस देश में वित्त मंत्री रहता है। जिसने कभी अपने बेटे और बेटियों को भारत की सेना के लिए भेजा नहीं कुर्बान होने को, वो देश का रक्षा मंत्री हो सकता है। और जिसको अपनी रक्षा करने के लिए सैकड़ों जवान लगते हैं, वो देश की क्या रक्षा करेगा? सोचो आप। जिस व्यक्ति को जिंदगी में कभी विज्ञान और तकनीकी का अंतर पता नहीं है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री हो सकता है। और जिसको इनमें से कुछ भी पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री हो सकता है। इसलिए ये विडंबना है हमारे देश की। अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानियों पर शासन कर सकता है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि अज्ञानी व्यक्ति जब ज्ञानियों पर शासन करे तो समझ लेना देश और समाज का बंटाधार ही होना है। हमारे देश में यही हो रहा है। हर अज्ञानी ऐरा गैरा नत्थू खैरा जो किसी नेता की चप्पलें उठाता था, जो किसी के जूतों में पॉलिश करता था, जिसने कभी किसी नेता के घर में रोटियां बना के खिलाई, वो राष्ट्रपति पद तक लोग पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में। उनकी क्वालिफिकेशन ही एक है कि कभी किसी बड़े नेता के रसोई में रोटियां बना के खिलाई तो राष्ट्रपति हो जाओ भैया। ऐसी बंदर बांट मची है इस देश में। और ये उस देश में जिसकी आजादी के लिए 7,32,000 लोग कुर्बान हुए हैं, उस देश में। मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। अभी एक सच्ची घटना मेरे साथ घटित हुई। मैं एक दिन कानपुर गया था भारत स्वाभिमान की सभा के लिए, तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे उतरा। उतरने के बाद शहर में बाहर आने के लिए नीचे पुल पर से उतर के आया तो एक छोटी सी चाय की दुकान थी, उस पर एक बेटी और एक माँ और एक छोटा सा बेटा आपस में बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, माँ हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी माँ से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो इनमें असाधारणपन है, चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है, और एक एक राज्य के नहीं दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तात्या टोपे का गुप्त पता
जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं, और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। ये देश है और ये अब बर्दाश्त नहीं होता, और ये बर्दाश्त होना भी नहीं चाहिए किसी को। क्यों बर्दाश्त होना चाहिए? ऐसा देश तो हमने कल्पना कभी की नहीं थी, तात्या टोपे ने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा देश बनेगा, झांसी की रानी की कभी कल्पना नहीं थी, चंद्रशेखर की कल्पना नहीं थी। चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी, एक कहानी सुनाता हूं कि वो घर से भाग गए थे 13 साल की उम्र में। माता पिता बहुत गरीब थे, खाने को घर में नहीं था, घर छोड़कर भाग गए, बनारस आ गए, क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए, और उसी संगठन ने थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था, तो धन आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया। तो चंद्रशेखर को उनकी माँ और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो, हमारी गरीबी में काम आएगा। तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पैसे तो दे नहीं सकता, ये दोनों गोलियां दे सकता हूं। ऐसा देश चंद्रशेखर का, ऐसा देश तात्या टोपे का अब लुट रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अब फिर कोई दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, चंद्रशेखर ने, अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। और ये दूसरी लड़ाई का ही अभियान है जिसको हम भारत स्वाभिमान कहते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन